वेलकम टू पटनायक एजुकेशन पे समस्त भेरी गुड आफ्टरनून ऑडियो वीडियो दुटा जाक भल भाव आसूँ ना नहीं मतलब चार्ट सेक्शन में तुमने जनई दिव देन आम आज क्लास टी स्टार्ट करवा। तो आज क्लास मैंने जो भी आम कंप्यूटर क्वेश्चन डिस्कसन करें किटा आगुरी क्वेश्चन मुझे तुमको रिविजन जेहेतु तुम एग्जाम पाखेई पाखे आसू तेणु सबूगुड़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आस क्लास शेष पर्यंत रहा क्लास टी टोटाल कम्प्लीट करके पाने जॉइन हो जाओ समस्ते जल्दी जल्दी। ऑडियो वीडियो भल भाव आसने मत आगे जन दिए आम स्टार्ट करवा कहीदि खाली ऑडियो वीडियो दुटा जाकर क्वालिटी किसी बफरिंग होना ना मत खाली जन दिए आम स्टार्ट करवा। ओके ठीक अच्छे एबे ये ऊपर थंबनेल तो मैंने आंसर दे सारा देखा तो आज क्लास टी आरंभ करवा। चलो प्रथम क्वेश्चन पे तुम आंसर मत दुआ ह्वाट इज द मोस्ट कॉमन वे टू गेट ए वायरस इन योर कंप्यूटर। तो सबुठ गोटे कॉमन वे बा साधारण प्रक्रिया जो थे कि आम कौन ना कंप्यूटर वायरस आम पशे कौ गोटे साधारण मध्यम जो मध्यम कि आम कंप्यूटर हार्ड डिस्क वायरस पशि जाए यहीटा तुम्हारा क्वेश्चन अच्छे केमती ना जो भी आमर गेम इनस्टल करू आगर देखिए सीडी ड्राइव जो आम आसे सीडी ड्राइव रे गेम आसाला तो ताद्वर आम गेम टाक इनस्टल करते आउ कौन ना ओपनिंग ईमेल जे ईमेल को ओपन करी ना अपलोडिंग पिक्चर फ्रम द मोबाइल अन् द कंप्यूटर्स मैंने कौन जो भी फोटो छाड़े आम मोबाइल कंप्यूटर छाड़े सेमती ना गोटे ईमेल को पठेले केमती आम कर सबुठ गोटे कमन वे जो भी भाइरसेस है साधारणतः भाव में देखि गोटे स्पैम ईमेल तुमको आसे से गुड़िक मैंने कौन जो भी ईमेल मध्यम मैक्सिमम भाइरस आम कंप्यूटर को एंटर्स करते मन रखि पे ईमेल्स मध्यम कि तुम जदि वेबसाइट की खोल से मध्यम पसंद तेणु ऑप्शन बी ये हम राइट आंसर। ठीक अच्छे पे देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम मत आंसर दियो ए बटन दैट मेक्स कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस। तो आइदर गोटे कौन ना बड़ हम कि सान हम अपर कि लोअर केस जो भी आम हम आउ जो भी नंबर रहा से सब नंबर रू सिंबल धरी नियो तुमने नंबर टा धर नाइन टा क्लिक कल नाइन टा क्लिक कले गोटे सिंबल हो जो भी धर टू टा कले आट द रेट हो गए सिंबल एटा गोटे सिंबल ना ना तो से भाई भाव में यहाँ कौ बटनटे मैंने करूँ जिनस ना तुमने जानते आम कौन ना ऑप्शन कंट्रोल पे केमती करू कंट्रोल केबे भी करनी जो मैंने भी कंट्रोल करुच टोटाली भूल हो कंट्रोल भूल हो पाने गोटे बटन बहुत जन पिला ठीक आस मैंने भी कौच क्रेजी बॉय एसपी आउ किए जो मैंने भी सिफ्ट कौच ऑप्शन ए को कौच जितु जोगेश्वर जो मैंने भी सिफ्ट कौच सिफ्ट हम राइट आंसर पे कारण सिफ्टा तुम जब प्रेस करके धर जदि अक्षर तुम बड़ अच्छे से कौन ना सान जदि सान अच्छी बड़ हो कौन ना जदि तुम कौन लेटर धरीनि सिफ्ट को चिपिन से कौन सिफ्ट को न चिपिक तुम दुई को क्लिक कल से दुई हम कि सिफ्ट धरिकी दुई की क्लिक कल विथ सिफ्ट्रे से कौन ना आट द रेट हो सिफ्ट की धरिकी एस प्लस टू करदे ये जदि करेट होता मैंने कौन ये गोटे सिंबल को सी कन्वर्ट होगा तेणु ये मन रखी थोड़ा पे दे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह द डेप्थ ऑफ ए कंप्लीट बाइनरी ट्री इज गिवन बाय। तो जो भी गोटे कंप्लीट बाइनरी ट्री डेप्थटा के जान जो भी आम सर्ट्रे कौन कहू ना डेप्थटा को आम डीएन बोली कहीदेव डीएनटा जोटा कि गोटे हाइट बा आम डेप्थ कर गोटे कौन ना जितेटा नोड तर लगे गोटे जो भी आम बाइनरी कौन ना नोड थाए तो सीटा केतटा आमर कौन ना से जो बाइनरी ट्री अच्छे तेरे आम के नोड अच्छे डीएन आम जो कौ डीएन इक्वाल्स टू के हम ये फर्मूलाटा तुमने पचारे ऑप्शन बी कौच देख ऑप्शन बी ना क्रेजी बॉय एसपी ठीक अच्छे जो मैंने भी ऑप्शन ए कहच ऑप्शन ए जो मैंने भी कहच डीएन इक्वाल्स टू लॉग टू होल इन टू एन प्लस वन एटा ही हम पे राइट आंसर ऑप्शन ए हम यहाँ मन रखी जे लॉग जो मैंने भी लगारिथम करते सॉल्व कर दे पार एन प्लस वन एटा ही तुमने पकईक आर बाहरी पार जे कंप्लीट जो भी डेप्थ तार गोटे बाइनरी ट्री ऑप्शन ए हम ये पे राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह फोटन इज नॉट यूज्ड फॉर। तो फोटन तुमने जान थो फोटन कौन मत आगे कह देखा फोटन कौन यस फोटन कौन मत आगे कह जे फोटन
यस फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला ट्रांसलेशन बा फोटोन आमे कहू जे तमे तो जो कहिले फोटोन आमे कोन बैंक यूज करू गोटे कोन सेटा को देखिबा तो फोटोन गोटे जो भी हमरो गोटे कोन ना गोटे यस यस फोटोनटा आनालॉग नो पिला माने फोटोनटा गोटे कोन ना गोटे 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 जो भी हमरो सॉफ्टवेयर रहिला फोटोन तो तादर आमे कोन कर परिबा ना ड्राइंग पिक्चर्स कर परिबा कैरिंग आउट मैथमेटिक्स जो भी कंप्यूटेशन रहिला ए दीटा जक कर परिबा तेनु ऑप्शन सी एठी बोथ 1 एंड 2 होबो एठी राइट आंसर ऑप्शन सी एठी इज बो राइट आंसर ठीक अछि द नेक्स्ट क्वेश्चन कोन होबो पिला माने कुहो द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग आउट डिजिटल एटा क्लास तुम्हारा प्रथम जब करूँ से क्वेश्चन टाइम डिस्कसन करी एवं बहुत दिन है ये क्वेश्चन टाइम तुमको डिस्कसन करनी ये तुम आम कंप्यूटर तुमने जाथ तीन प्रकार गोटे नंबर वन कौन ना गोटे एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर जोटा कि फास्ट आसला एनालॉग पर सेकेंड आसला कौन ना आम डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर तापर आसला एवुड़ाक एवं कौन ना हाइब्रिड एबे भी एनालॉग डिजिटल आसूची हाइब्रिड कंप्यूटर कौन ना दीटा जाक बोथ दीटा जाक जो मिसीजी से कौन ना आम हाइब्रिड एनालॉग प्लस डिजिटल जमीक एग्जाम्पल केतज दे पार कह देखा गोटे एनालॉग कंप्यूटर मत गोटे हाइब्रिड कंप्यूटर गोटे एग्जाम्पल दि पे गोटे हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जाम्पल दि आम ईसीजी मेसीन तो ईसीजीटार कौन तुम छाती लगे मपा हो तो से आनालग रुम पल्स गुड़िक कमी आनालग रे आसा से डिजिटल फर्म तुमको शो है तो यहाँ है आना जो आम कौन ना हाइब्रिड कंप्यूटर तो यह सब मन रखि तेणु ये कौन हो हाइब्रिड कंप्यूटर हो रईट आंसर ऑप्शन ए ये रईट आंसर यस एटीएम गोटे एटीएम भी आम कौन ना आनालग विथ डिजिटल दुटा जाक कम करेक्स्ट कौन हम कह डैश इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट पेरिफेरल्स लिंक्ड टुगेदर इन ए स्मॉल जियोग्राफिक एरिया तभी कौ गोटाक गोटे छोट एरिया रे हमरो जो भी कंप्यूटर परस्पर मध्य जो भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं गोटे छोट एरिया रे कनेक्ट होते हैं कौटा सब छोट जोटाक अरे वन केमती हम वन केबे भी हेनी राहुल केबे भी हेनी यहाँ मन रखा वन हेनी वन कौन ना वाइड एरिया नटर जोटा कि बहुत बड़ एरिया को कवर करने जमी आम गोटे कंटिनेंट है गोटे महादेश को किंबा टोटाल आम एज भाया हेल्ले कौन से वन न यूज हुए वाइड एरिया नेटवर्क आज जब गोटे सिटी की करवा कौन ना मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आम यूज हुए किंतु ये तुमको पचार छोट एरिया जेहेतु तेणु मन रखिथ्वे लैन हम ये राइट आंसर ऑप्शन सी ये हो राइट आंसर ठीक अच्छे लैन पैन तो पर्सनल एरिया नेटवर्क तेणु ये तुमको पैन कथा पचारी ये कौन पचारी तुमको जो थे कि छोट ग्रुप गोटे जो थे किटा कंप्यूटर पेरिफेरल सब लिंक होते हैं लैन कहू आम है पैन कहूनी पर्सनाल एरिया नेटवर्क कहूनी एवं आसला तुमको थंबनेल जो भी आंसर दे दौल एवं आसला आर आंसर कौन हम कह आर कौन हम जे इनभेटर अफ WWW बा वर्ल्ड वाइड वेब जोटा को आम आउ कौन कहू कह देखा WWW को आउ कौन आम कहू कह देखा ना W3 मध्ये कहू पे मन रखिथ्वे वर्ल्ड वाइड वेब जोटा कि W3 मध्ये आम कहू W3 तार किए हेले ना इनभेटर ना मन रखिथ्वे आम टीम बर्नर्स ली ऑप्शन डी ये हेला टीम्स बर्नर ली ऑप्शन डी ये हम राइट आंसर केबे करिथिले ना मन रखिथ्वे 1989 ने करें ऑप्शन डी ये आंसर आउ कौन सब ये करते ना इन्वेंशन ने आउ कौन कौन आसना HTML आम HTML आउ कौन ना जो भी आम URL है ये सब कौन ना टीम बर्ड्स जो आम बर्नर्स लिंक द्वारा ये सब भी मन रखि इनभेन्ट कर ठीक अच्छे यस HTML आउ कौन ना आम मार्कअप लांगुएज जो भी आम कौन HTML मार्कअप लांगुएज URL आउ कौन ना आउ गोटे भी अच्छी HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP चिन्मय ठीक अच्छे ये सब मन रखिथ्व पाने तो क्लास टी जदि भल लगुच पे निश्चिंत भाव लाइक करदेव क्लास टी बारंबार मुझे कहूनी पाठ भितर आम जेहतु एग्जाम पाखे आसला तुमको पढ़ा भितर मुझे कहूनी लाइक करने की गोटे लाइक करदे आउ कथानी नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा तबे कहो प्रोसेसर स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन गोटे प्रोसेसर स्पीड जो भी आम कंप्यूटर गोटे प्रोसेसर आम यूज करचे जमीक इंटेल आम यूज करचे एबे कोन ना इंटेल आई 3 यूज करचे किंबा जो भी प्रोसेसर आम यूज कले जो भी
मीडिया टाइप हो जो भी आम प्रोसेसर सब यूज करे डाटाटा को प्रोसेस करने ये प्रोसेसर स्पीडटा को आम के मेजर करूँ ये पाने बहुत जन पा ये हिं भूल कर दिखती जे कौन बहुत जन कर दिखती कौन मिप्स कर दिखती बहुत जन कौन कर दिखती ना हर्ज कर दिखती केवल ये ना मिप्स हेनी मिप्स हेनी चिन्ह ये कौन कर ना हर्ज कर कारण हर्ज जा जो भी प्रोसेसर स्पीडा ये पचार कौन ना क्लॉक स्पीड जी पचार क्लॉक स्पीड टाइम कमी मेजर करूँ ना हर्ज रहा मेजर करूँ ऑप्शन ए एटी राइट आंसर यस हर्ज एच जेड जो सर्ट्रे कहीदे एच जेड यस गीगा हर्ज मेगा हर्ज जहाँ भी आम कहू एच जेड नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह पाने मिप्स हेनी जोटा कह मिलियंस जो भी पर सेकेंड कह मिप्स हेनी ये इन ए वर्कशीट यू क्या सिलेक्ट गोटे वर्कशीट रे तुम्हें कोटा को सिलेक्ट कर पारिबा मते कह नाई मिप्सटा जो भी तुम मिप्स कह मिप्सटा आम कौन ना आम एटी क्लॉक स्पीड नुह आम प्रोसेसर रा स्पीड टा को मिप्स रे मध्य मापू किंतु मिप्सटा जो भी है यहाँ कौन ये तुमको क्लॉक जो क्लॉक स्पीड टा तुमको पचरा जा हर्ट्सटा पूर्वर मुझे यही विषय तुमको डाउट ऑलरेडी क्लियर कर देती जे मीप आउ हर्ट्स आम कौ जगह व्यवहार कर पारिबा ठीक अच्छे एबे कह जे गोटे वर्कशीट रे आम कौन सिलेक्ट कर पारिबा जे वर्कशीट जो भी आमर कौन है ना वार्ड है माइक्रोसॉफ्ट रो ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट वार्ड कहली माइक्रोसॉफ्ट रो ऑफिस है आउ कौन ना ऑफिस है कि आउ जो भी है कौन ना गोटे गोटे जो भी आम वर्कशीट रहा जो थे कि आम एक्सेल है एक्सेल कौन एक्सेल आम कर ना यहाँ है वर्कशीट तो आदि कौन कौन कर आम ओनली रो को सिलेक्ट कर पारिबा ओनली कलम को एंटायर वर्कशीट सबकि आम सिलेक्ट कर पारिबा तेणु ऑल ऑफ द अबव होती राइट आंसर ऑप्शन डी ये पे राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कह व्हिच मीडिया हाव द एबिलिटी टू हाव डाटा और इनफर्मेशन स्टोर्ड ऑन देम बाय यूजर्स मोर देन वन्स तो कौ गोटे मीडिया रहिला जो थे कि आम कौन ना डाटा बा इनफर्मेशन आम कौन कर गोटे थर रु बहुत थर आम कौन कर आम स्टोर करें कौन जो भी डाटा है जे गोटे थर ना आम बारंबार आम कौन ना रिराइट कर पारिबा जोटा कि आम कहले जे ऑप्शन बी कौ सी डी आर डब्ल्यू डिस्क यस सी डी आर डब्ल्यू डिस्क ऑप्शन बी ये हम राइट आंसर कारण देख जो भी आर डब्ल्यू मान कौन मन रखी पाने रिराइट आर डब्ल्यू रिराइट बा आउ थे आम या लिखिपर तेणु सी डी है कौन ना कंपार डिस्क रीड राइट आमर रिराइट है राइट आंसर हम ऑप्शन बी ये हो राइट आंसर ठीक अच्छे दे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह डैश इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए स्टोरेज मीडियम तो कौ गोटाक गोटे मैक्सिमम अमाउंट रो डाटा जोटा कि गोटे मानने कौन स्टोरेज मीडियम आम स्टोर करें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा टाक आम कौन कहचे जो भी मैक्सिमम डाटा को आम कौन कहचे कह मैक्सिमम डाटा को आम कौन कहे ना मैक्सिमम डाटा को आम स्टोरेज कैपेसिटी कहे जे के डाटा आमर तर स्टोर हो पार कैपेसिटी के गोटे स्टोरेज डिवाइस जो भी आम स्टोरेज डिवाइस रहा स्टोरेज मीडियम रहा तार कैपेसिटी तो सहीटा को आम कहू स्टोरेज कैपेसिटी जे धरनीय गोटे ये धरनीय गोटे यहाँ कौन ना धरनीय गोटे ये हार्ड डिस्क एच डी डी हार्ड डिस्क धरनीय आदि के वन टी रही वन टी वन टी एटा है कौन ना तार स्टोरेज कैपेसिटी ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह पाने जीयूआई स्टैंड फॉर जीयूआई कौन कह देखा जीयूआई जीयूआई स्टैंड फॉर जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक अच्छे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन डी ये राइट आंसर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन डी बी नुह पाने ऑप्शन बी कर ग्राफ यूज इंटरफेस नुह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन डी हम ये राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह हु इज द फादर ऑफ ईमेल तो ईमेल फादर किए हु इज द फादर ऑफ ईमेल कह ये तुमको पचार गला हु इज द फादर ऑफ ईमेल कौन हम यस ऑप्शन बी हम पाने राइट आंसर ऑप्शन बी रे टॉमलिसन रे टॉमलिसन हेले कौन टॉमलिसन हेले आमर कौन ना ईमेल फादर आम कहूँ यस
ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବି ଆମର ଇମେଲଟା କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ ଆର୍ପାନେଟ୍ ଆର୍ପାନେଟ୍ ଯେଉଁ ବି ରହିଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ପାନେଟ୍ରେ କରିଥିଲେ ଇମେଲଟାକୁ ଅର୍ପାନେଟ୍ ଉପରେ ହିଁ ରନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ କେବେ ନା 1971 ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବ 1971 ଇମେଲ ଇନଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଇମେଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନୁହଁ ଇମେଲ ଦ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ନେପାଳ ୱାଜ୍ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଟାକି ନେପାଳରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା କେଉଁଟା ହେଇଥିଲା କହିଲେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଟାକି ନେପାଳରେ ଆମର କ'ଣ ନା ନେପାଳରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପସନ୍ ଏ ବହୁ ଜଣ ପିଲା କହୁଛ ଅପସନ୍ ଏ ନାଇଁ IBM 1401 ୟେସ୍ IBM 1401 ଅପସନ୍ ଏ ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଟାକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା କେଉଁଟା କୁହାଯାଇଥିବା ଏଇଟା ତ ନେପାଳ କଥା ଗଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ତା ନାଁ ଥିଲା ୟେସ୍ ନାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନୁହଁ ଏନିଆକ୍ ଏନିଆକ୍ ହବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନୁହଁ ପାରମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ୟେସ୍ ଏନିଆକ୍ ହବ ଏଠି ପାରମ ହବ ଏନିଆକ୍ ହବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛ ପାରମ ହବ ଏନିଆକ୍ ହବ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଠି କଥା ପଚରାଯାଉଛି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନେ ଏଠି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଥା ପଚରାଯାଉନି ପ୍ଲେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଥା ପଚରାଯାଉଛି ଏନିଆକ୍ ପିଲାମାନେ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିଥାଉ ଏନିଆକ୍ ହବ ଦେଖିବା ତୁମମାନେ କହୁଛ ଯଦି ମନେ ରଖିଥାଉ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ 1959 ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା 1959 କେଉଁଠି 1959 ହେଇଥିଲା କେଉଁଠି 1959 ହେଇଥିଲା ନେପାଳରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 55 ତୁମମାନେ ଆଡ଼େ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମୋତେ ଏତେ କରିଦେଇଛ ମୁଁ ଏଠି ହିଁ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 19 ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା 1955 ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 1959 ନେପାଳରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ବେଳକୁ କହିଦେବି ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର ଦିଅ ଇନ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡାଉନ୍ ଆରୋ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡାଉନ୍ ଆରୋ କୀଟାକୁ ଆମର ସେଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କୁଆଡ଼େ ହେବ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ସିଟ୍ରେ ସେଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଆମର କୁଆଡ଼େ ହେବ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡାଉନ୍ ଆରୋ ମାରିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡାଉନ୍ ଆରୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡାଉନ୍ ଆରୋ ଯଦି କଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କୁହ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ବି କହୁଛ ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରୋ ହବ ନାଇଁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଲମ ହବ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଲମ ରୋ କରିବନି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଲମ ଏଠି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯେଉଁ ବି କଲମର କ'ଣ ନା ଶେଷକୁ ପଳେଇବ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଲମ ଏଠି ହବ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରୋ କେବେ ବି କରିବନି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଲମ କାରଣ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା କଲ କ'ଣ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ବି ଡାଉନ୍ ଆରୋଟାକୁ ତୁମେମାନେ କ୍ଲିକ୍ ଯେହେତୁ କଲ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଲମ ହେଇଯିବ ସେ କଲମର ଶେଷ କଲମର ଶେଷକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ କୁହ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ସିପିୟୁଟା କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତିଆରି କହିଲେ ଦେଖିବା ସିପିୟୁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ବା ସିପିୟୁଟା କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ସିପିୟୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ଟା କାହାକୁ କାହାକୁ ମିଶିକି ହେଇଛି ନା ଏରିଥମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏରିଥମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆମର ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକି ହେଇଛି ଅପସନ୍ ଏ ଏଠି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏରିଥମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ମୋଡେମ୍ ଡ୍ୟାସ୍
ଗୋଟେ ମୋଡ଼ମ ଆମେ କାହାକୁ ଆ ଭିତରୁ କହିବା, ମୋଡ଼ମଟା ମୋଡ଼ମଟାର ଏଠି କାମ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହିଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆମର ଏ ମୋଡ଼ମ ଡାସ୍ ମୋଡ଼ମ କ'ଣ କରେ? ମୋଡ଼ମଟା ଏଠି କ'ଣ କରେ କହିଲେ ଦେଖିବା, ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନାଲ ଫ୍ରମ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆନାଲଗ୍ ଆଉ କ'ଣ ନା ଟ୍ରାଭେଲ ଆନଲଗ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ସ କନଭେନ୍ସନାଲ ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ ଯେଉଁ ବି ଆମର କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଯେଉଁ ବି ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନାଲ ରହିଲା ତାକୁ ଆନାଲଗ୍ କରିବ ଆଉ ଆନାଲଗ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ କରିବ, ଏଇଟା ହିଁ ଭାଇସ୍ ଭର୍ସାରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍ ୱେୟାର୍ ରହିଲା ବା ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଡାଟାଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବ, ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ମୋଡ଼େମର କାମ। ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ କୁହ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଡବ୍ଲୁ ଲାନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍? ଡବ୍ଲୁ ଲାନ୍, ଡବ୍ଲୁ ଲାନ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଏଇଟା କୁହ। ଡବ୍ଲୁ ଲାନ୍ଟା ଏ ଟର୍ମଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଡବ୍ଲୁ ଲାନ୍ କ'ଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ୱେୟାରଲେସ୍ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ୱେୟାରଲେସ୍ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ବା ଡବ୍ଲୁ ଲାନ୍ କହୁଛେ। ଅପସନ୍ ଏ ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ଆଉ କେଉଁଟା ଅଛି ନା ଅପସନ୍ ୱେୟାରଲେସ୍ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନୋଡ୍ ନୁହଁ, ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଅପସନ୍ ଏ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆର ଦିଅ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋତେ ଦିଅ କ'ଣ ହେବ, ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ମୋତେ କୁହ ଯେ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଡବ୍ଲୁ ଲାନ୍ କହିପାରିବା, ୱେୟାରଲେସ୍ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ତମକୁ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଯେ କେଉଁଟାକୁ ଆ ଭିତରୁ ଡବ୍ଲୁ ଲାନ୍ ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ୟେସ୍, ୱାଇଫାଇ ରାକେଶ କୁମାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ୱାଇଫାଇ, ୱାଇଫାଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ୱାଇଫାଇ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଯେଉଁ ବି ଆମେ ୱାଇଫାଇ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ୱାଇଫାଇଟା ଗୋଟେ ଡବ୍ଲୁ ଲାନ୍, ୱେୟାରଲେସ୍ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଗୋଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ରେଡ଼ିଓ ନୁହଁ, ଏଇଟା ୱାଇଫାଇ ହେବ, ରେଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ରେଡ଼ିଓ ନୁହଁ, ୱାଇଫାଇ କିଏ ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ୱାଇଫାଇ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ କୁହ, ହ୍ୱିଚ୍ କି ଅନ୍ ଏ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କିବୋର୍ଡ ସେଟ୍ସ ଟୁ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ଼ ଇନ୍ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର୍? ତ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ଼ଟା ଆସିବ, ଧର ତମର କ'ଣ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଇକି ତମର ବ୍ରାଉଜର୍ଟା ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ଧର ତମର ମିନିମାଇଜ୍ କରିଛ କି ଯାହା ବି କରିଛ ସେଇଟା, କି କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ତମେ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ କେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ କିଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ମନେ ରଖିଥିବ ବ୍ରାଉଜର୍ ପାଇଁକି F11 କିଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ରାକେଶ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାହୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛ ବିକାଶ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପସନ୍ ସି କହୁଛ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ କୁହ, ମୋଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ହାଭ୍ ମେନ୍ ପେଜ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଏ ଡୋର୍ ୱେ ଟୁ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍ ପେଜେସ୍। ତ ଯେଉଁ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲା ତା'ର ମେନ୍ ପେଜ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ଆମର କେଉଁ ଗୋଟାକ ଆମ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ର ଯେଉଁଟାକ ମେନ୍ ଉପର ପେଜ୍ଟା ଥାଏ ସେଇଟା ହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆମେ କହୁନି। ଯେଉଁ ବି ୱେବସାଇଟ୍ର ଆମର ମେନ୍ ପେଜ୍ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ଟାକୁ ଖୋଲୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆମେ କହୁ, ହୋମ୍ ପେଜ୍। ହୋମ୍ ପେଜ୍ ବା ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କ'ଣ ଆମ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛେ ଆମେ କ'ଣ ନା ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ସେଇଟା ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବା ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଯେଉଁଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ହୋମ୍ କ'ଣ ନା ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେଉଁଟା ଉପରେ ସବା ପେଜ୍ଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ହୋମ୍ ପେଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବ ସେଇଟାକୁ ହୋମ୍, ଯେଉଁ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କହିବ, ପେଜ୍ ହେଲେ ପେଜ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାଜ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଇନ୍, ଯେଉଁ ବି ଆମର ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଲା ସେ କେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରିଲି କେଉଁଠି ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାଇମେରିଲି କେଉଁଠି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା କହିଲେ ଦେଖିବା, ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ପ୍ରାଇମେରିଲି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, USA, ୟେସ୍, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ବା ଆମେରିକାରେ ଏସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାଇମେରିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ନମ୍ବର୍ସ ଆଜ୍ ଟେକ୍ସଟ୍, ତ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କ'ଣ ନା ନମ୍ବର ମାନେ ଯେଉଁ ବି ଆମେ କେଉଁ ଗୋଟାକ ଆ ଭିତରୁ ସିମ୍ବଲ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଓକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ, ୱାଫର୍ କାହାକୁ କହୁଛି କି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ୱାଫର୍ ହଉନି, ଏବେ କୁହ କେଉଁ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବି ନମ୍ବର ରହିଲା ତାକୁ ଟେକ୍ସଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, କେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ଟା ଆ ଭିତରୁ ୟୁଜ୍ କରୁ କୁହ ଦେଖିବା।
ନା ମନେ ରଖିଥିବ ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କହୁଛ, ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏଠି ହେବନି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ହେବ କ'ଣ ନା ଆପ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହୁଛେ ଆପ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେବ ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ବି ଆମର ନମ୍ବର ହେଲା ସେସବୁ ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ବଦଳେଇ ଲେଖିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆର ପିକ୍ଚର ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ପିକ୍ଚରଟି ପକେଇ ପାରିନାହିଁ, ତ ଯେହେତୁ ତର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ତମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି, ତ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପିକ୍ଚରଟି ସେୟାର କରିଦେବି, ତମମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ଟି ତମମାନେ ଦେଖିନେବ ସେଇଠୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି ଏଇଟା କନଭର୍ଟ ହେଇକି ଲେଖା ହେଉଛି ତାର ଇମେଜ୍ଟି ଅଛି ମୋ କତିରେ, ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କୁହ। ଦ ଆଉଟପୁଟ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଇଜ୍ ମେଜର୍ଡ ବାଏ, ଯେଉଁ ବି ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟରର କେମିତି କ୍ୱାଲିଟିଟା ତାର ବା କ୍ଲାରିଟି କେମିତି ଆସିବ, କ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିଟା କେମିତି ଆମେ ମାପିବା। ଯେ ଯାହାର ବି ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ନା ଡିପିଆଇ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ସର୍ଟରେ କହିଦେବୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରିଣ୍ଟରର ଡିପିଆଇ, ଡଟ୍ସ ପର୍ ଇଞ୍ଚ, ଡଟ୍ସ ପର୍ ଇଞ୍ଚ କାହିଁ ନା ଡଟ୍ସ ପର୍ ଇଞ୍ଚ ଅପସନ୍ ସି ଏଠି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ଯେତେ ବି ଡଟ୍ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା ଡଟ୍ ଯେତେଟି ତା ଭିତରେ ଯେତେ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ରହୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଡିପିଆଇ। ତାର ଦେଖିଥିବ ପ୍ରିଣ୍ଟର ତ ଦୁଇଟା କ୍ୟାଟ୍ରେଜ୍ ଏମିତିଆ ଥାଏ, ସେ କ୍ୟାଟ୍ରେଜ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କିଛି ଏମିତି ଥିବ, ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ବି ଇଙ୍କ ତମର ଏକରେ ଇଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବି ଥିବ, ଧର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏଠୁ ହେଲା, ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯେଉଁ ବି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବି ଇଙ୍କ ଗଲା ଏଠି ଆସିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା, ତ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଇଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ନଥାଏ ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ, ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାଟ୍ରେଜ୍ ଲାଗେ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିକି ତମର ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ କୁହ। ଦ ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଏନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଇଜ୍, ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମର ବ୍ରେନ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହୁ ନା ସିପିୟୁ କହୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ବା ସିପିୟୁକୁ କହୁ, ଏଇଟାରେ ତ କାହାରି ବି ଭୁଲ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ। ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଏ ଭାଇରସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ସେଲ୍ଫ ରେପ୍ଲିକେଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଭାଇରସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରାଦର ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଏଟିଂ କପିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଅନ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଇଟ୍ ପ୍ରୋପୋଗେଟ୍ ଥ୍ରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦାଟ୍ କଲ୍ଡ। ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଭାଇରସ୍ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ରେପ୍ଲିକେଟିଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତ ଯେଉଁ ବି ଆମର ଭାଇରସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଟାକୁ କହୁ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇଟା ଭାଇରସ୍ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଯେଉଁ ବି ତାର ନିଜର କପି ରହିଲା ହେଲା ସେଇ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ହିଁ କରିପାରିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ତାକୁ ଆମେ ୱର୍ମ କହୁ, ଅପସନ୍ ବି ହେବ, ୱର୍ମ ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ କୁହ। ହୁ ଆର୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ୟୁଜର୍ସ ଅଫ୍ ଏସ୍ ସି ଏମ୍ ସିଷ୍ଟମ, ତ ଏସ୍ ସି ଏମ୍ କ'ଣ, ଏସ୍ ସି ଏମ୍ ସିଷ୍ଟମର କେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ୟୁଜର, ଏସ୍ ସି ଏମ୍, ଏସ୍ ସି ଏମ୍ ଆଗ କ'ଣ ନା ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥିବ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଏସ୍ ସି ଏମ୍ ଆମେ ସର୍ଟରେ କହିଦେବୁ, ତ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ୟୁଜର ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ନା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଥମେ ଆମର କିଏ ଆସିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମର କଷ୍ଟମର ଆସିବ, ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟମର ପିଲାମାନେ ଆସିବ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମର କଷ୍ଟମର ଆସିବ, କଷ୍ଟମରକୁ କାହାଠାରୁ କିଣିବ ନା ରିସେଲର କତିରୁ କିଣିବ, ରିସେଲର କେଉଁଠୁ ନା ପାର୍ଟନର କତିରୁ କିଣିବ, ପାର୍ଟନର କେଉଁଠୁ କିଣିବ ନା ସପ୍ଲାୟରରୁ କିଣିବ, ସପ୍ଲାୟର କେଉଁଠୁ କିଣିବ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କତିରୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆସିବ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କେଉଁଠୁ କିଣିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଆଣିବ। ତେଣୁ ଆମର ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କଷ୍ଟମର କତିରେ ସରିଯାଏ ବା କଷ୍ଟମରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କତିରେ ସରିଯାଏ, ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ହେବ, ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ପିଲାମାନେ କରିବ, ଅପସନ୍ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବନି, ଅପସନ୍ ବି କରିବ। ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ମାନେ କ'ଣ, କେମିତି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଆସିଲେ ସପ୍ଲାଏ ହେଇପାରୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏସ୍ ସି ଏମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଦେଉଛେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କୁହ। ହୁଇଚ୍ ଥ୍ରୀ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିସିଭ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍, କେଉଁ ଆ ଭିତରୁ ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନ୍ପୁଟ୍ଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରେ, ଯେଉଁ ବି ଆମେ ଡାଟା ଦେଉଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଇଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରେ, କହିଲେ ଦେଖିବା ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଆ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ଆମେ କରୁ ରିସିଭ୍ କରୁ, ଅପସନ୍ ଡି କହିସାରିଲେଣି ପିଲାମାନେ। ଆରେ ରିସିଭ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ କେମିତି କରିବା, ପ୍ରିଣ୍ଟର ନୁହଁ ସ୍କାନରରେ ଆମେ କରୁ, ପ୍ରିଣ୍ଟର ନୁହଁ ସ୍କାନରରେ ହିଁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବା, କେବଳ ଏଠି ହେବ ଏମ୍ଆଇସିଆର ବାରକୋଡ୍ ରିଡର ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ଏମ୍ଆଇସିଆର କ'ଣ ନା ଏମ୍ଆଇସିଆର ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିଡର ହେଲା, ଏମ୍ଆଇସିଆର ଦେଖିଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଏମ୍ଆଇସିଆରଟା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବାରକୋଡ୍ ରିଡର ଦେଖିଥିବ ସପିଂ ମଲ୍ କରିବା ଗଲାବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥିବ, ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ବାରକୋଡ୍ ଭଳିଆ ଥିବ, ସେ ସ୍କାନ୍ କରିଦେବେ,
ସେଇଟା ହେଲା ବାରକୋଡ଼ ରିଡର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେସବୁ କ'ଣ ନା ସେସବୁ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଉଛେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହେଲ୍ପସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ରିଟର୍ନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ୟୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ କରେକ୍ସନ୍ସ ଆଜ୍ ନେସେସରୀ। ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ପ କରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ବି ରିଟର୍ନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମେ ରିଟର୍ନ ବା କରିପାରିବା, ଲେଖିପାରିବା, ତା ଦେହରେ କରିପାରିବା, ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବି ଆମେ କରେକ୍ସନ୍ ପଛରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାକୁ ଆମେ କରେକ୍ଟ ବି କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ସିଟ୍ ପିଲାମାନେ, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ସିଟ୍ ଏଠି କେମିତି ହେବ ମୋତେ କହିଲ, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ସିଟ୍ ତ କେବେ ବି ହେବନି, ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର୍ ବା ଏମ୍ ଏସ୍ ୱାର୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା, ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର୍ରେ ହେବ କିମ୍ବା ଏମ୍ ଏସ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ନା ଏମ୍ ଏସ୍ ୱାର୍ଡଟା ଏ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ଧରିନେ ଆମେ କହିବା ପି ଡି ଏଫ୍ ଫାଇଲ୍ଟା ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ ସେ କ'ଣ ନା ପି ଡି ଏଫ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏମ୍ ଏସ୍ ୱାର୍ଡଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଏମ୍ ଏସ୍ ୱାର୍ଡଟା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର, ଆଉ ବି ସେମିତି ଯେଉଁ ବି ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ରହିଲା ସେସବୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଏଠି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର୍ ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ କୁହ, କ୍ୟାସେ ମେମୋରୀ ଆକ୍ଟସ୍ ବିଟୁଇନ୍। ତ କ୍ୟାସେ ମେମୋରୀ କଥା ବାରମ୍ବାର ତମକୁ କହେ ଏଇଗୋଟାକ, ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ କ୍ୟାସେ ମେମୋରୀଟା କାହା କାହା ଭିତରେ କାମ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଛି କ୍ୟାସେ ମେମୋରୀଟା କାହା ଭିତରେ ନା ଆମର ସିପିୟୁ ଆଉ ରାମ୍ ଭିତରେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ରାମ୍ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର କାମ କରେ କ୍ୟାସେ ମେମୋରୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ କୁହ, ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରୋସେସିଂ ଡାଟା ଡାଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆର୍ ହେଲ୍ଡ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡାଟାଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, ଧରିନିଅ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ବି ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ଟାକୁ ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛ କ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଧରିନିଅ ଇମେଜ୍ଟା କ୍ରପ୍ କରିବ, କ୍ରପ୍ କଲେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲ ଇମେଜ୍ ଅଛି ତୁମର ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଇମେଜ୍ ଗୋଟେ ତୁମେ ଯେଉଁଟାକ ଡିଫଲ୍ଟରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କ୍ରପ୍ କରିକି, ସେ ଇମେଜ୍ଟା ତୁମର ଟେମ୍ପୋରାରିଲି କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯେ ଯେଉଁ ବି ଡାଟା ହେଲା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ସେସବୁ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହୁଛି କୁହ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହୁଛି ନା ଏଠି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଯେଉଁ ବି ଆମର ରାମ୍ ରହିଲା, ରାମ୍ଟାରେ ହିଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହୁଏ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ଟା ଆମର ରାମ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କେଉଁ ମେମୋରୀ ନା ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରୀ, ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ନୁହଁ, ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ରମ୍ଟା ଗୋଟେ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍, ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଏଇଟା ମନରେ ରଖିଥିବ ଯେ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଆଉ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ, ରାମ୍ଟା ଗୋଟେ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରୀ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ବି ଆମେ ଯାହା ବି ଏବେ କରୁଛେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ସବୁ ରାମ୍ରେ ହିଁ ଆମର କ'ଣ ନା ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହୁଛି ଗୋଟେ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରୀ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ କୁହ, ଓସିଆର ଓସିଆର ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍, ଓସିଆର କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖିବା, ଓସିଆର ୟେସ୍ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ପ୍ରହଲାଦ, ରୋହିତ, ଭାରତ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି, ଚିହ୍ନ ରୋହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଚିନ୍ମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି। ଅପ୍ଟିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ବା ଓ ସି ଆର୍ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ଦେଖିବ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଲା ଭଳିଆ ମେସିନ୍, ତାକୁ କ'ଣ ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ଯେଉଁ ବି ଲେଖା ଥିବ ତା ଉପରେ ଚଲେଇ ନେଇଯିବ, ସିଏ କ'ଣ ନା ସେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ସ୍କାନ୍ କରିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ କୁହ, ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ କପିଂ ଅର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ନେଟୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ମେକିଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କପିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ତ କେଉଁ ଗୋଟାକ ଆ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟାକି କେମିତି କାମ କରେ ନା ଯେଉଁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର କପି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ଟା, ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବି ଆମର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କପି କରିଦେବା, ମଲ୍ଟିପଲ୍ କପି କରିଦେବା, ତା'ମାନେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଆମେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ନୁହଁ, ଶୁଣିଥିବ ଏ ଟର୍ମଟା ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଆକୁ ଆମେ କହୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇରେସି, ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଜଣ ପିଲା ଏବେ ବି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସେଭେନ୍ ଏବେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସେଭେନ୍ଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳୁଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ର ଯେଉଁ ବି ଆମର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସେଭେନ୍ର ରହିଲା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସେଭେନ୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଲେ ନେଟ୍ରୁ, ନେଟୱାର୍କରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ କପି କରିଦେଲେ, ତାକୁ କ୍ରାକ୍ କରିଦେଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ କ'ଣ ନା ପାଇରେସି ଭର୍ସନ୍, ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇରେସି ଭର୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ତାର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କପି ଯାଇକି ବଜାରରେ ବୁଲୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାର ସେଇ ସଫ୍ଟୱେୟାର କିନ୍ତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପାଇରେସି ଭର୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ, ତେଣୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇରେସି କହିବା ଯେଉଁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କରୁ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ତାର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କପି ଆମେ ବନେଇଦେଲେ ସେଇଟା ପାଇରେସି ହେଇଯିବ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇରେସି।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह फिफ्थ जेनेरेसन कंप्यूटर इज अल्सो नोन आज फिफ्थ जेनेरेसन एवं जो जेनेरेसन आम चलीचे यहाँ आम फिफ्थ जेनेरेसन तो फिफ्थ जेनेरेसन कंप्यूटर को आम कौ कंप्यूटर हिसाब से आउ कि जानू तो मैंने जाथ थो बर्तमान आम जो भी आम कंप्यूटर एवं यूज करुच्छे कौन ना VLSI तो ये यूज करुचे भेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आम यूज करुचे नॉलेज आउ इनफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी यूज करुचे जो आम AI कहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करुचे तेणु बोथ ए एंड बी आम करुचे आउ नन ऑफ द एबव कौटा को ये हम कह देखा मत ये कह यहाँ तुम मैंने आंसर दि फिफ्थ जेनेरेसन आम कौनटा आम यूज करुचे समस्ते पाने भूल कहल समस्ते भूल कहल समस्ते भूल कहल भेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आम यूज करुचे ना ULSI यूज करुचे कहल देखा आम फिफ्थ जेनेरेसन VLSI यूज करुचे ना अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज करुचे कह देखा आग मत प्रथम यही कथाटा ही कह जे आम कौटा के यूज करुचे VLSI आम यूज करुले के आम फोर्थ जेनेरेसन करुले फोर्थ जेनेरेसन VLSI किंतु फिफ्थ जेनेरेसन ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आउ नॉलेज आउ प्रोसेसिंग एटा नुह एटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI आम कहे AI टा कौन ना जो भी रहिला आमर नॉलेज रहिला सिस्टम रे से सब कु प्रोसेस करी ये सब करुचे तेणु एटी कौन ना नोन हम नोन ऑफ द एभव हम ये राइट आंसर टिके मुझ तुमको बुले कि पचारदेली यहाँ हम कि तुम मैंने सांगे सांगे ही मानने ये कौन ना भूल ही सांगे सांगे करदे ठीक अच्छे सांगे सांगे तो मैंने भूल करदे एमती ही तुम मानक एग्जाम एग्जामिनर तुमको कन्फ्यूज कराइब जे तुमको लगुव थी गोटे हम कि एग्जामिनर कौन कर आउ गोटे तुमको दे कि पचार थो तो सही तुमने कन्फ्यूज करी टोटाल भूल करके आसब ठीक अच्छे ये AI तुम मैंने कर AI तो ये यूज कर कहली कि नॉलेज इनफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जदि केवल गोटे सेटा आम एज करें नॉलेज इनफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम आम फोर्थ जेनेरेसन भी यूज करते एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम अच्छे फिफ्थ जेनेरेसन अच्छे है AI रे अच्छे जो थी आम नॉलेज इनफॉर्मेशन तो आम प्रोसेस करुचे कि बहुत एडवांस वे आम करुचे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम कहे आउ ULSI यूज करुचे तेणु नन ऑफ द एबव एटी पे राइट आंसर किसी भी आम करूने ऑप्शन डी ये हम राइट आंसर ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिक यूनिट ऑप्शन सी रे अच्छे एरिथमेटिक है अल्गोरिथम नो एरिथमेटिक एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हम राइट आंसर ऑप्शन सी हम ऑप्शन सी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट AU रो फुल फॉर्म ऑप्शन यस ऑप्शन सी हम देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हाँ कह ए सीडीरम डिस्क जो भी आम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडीरम जो भी आम कौन कहले ना आम कैसेट जो सीडी कैसेट आगे कहते क्लास तुम मान पे देख तीन टाइम टाइम हूँ गोटे हूँ सका सतटे तुम रेकर्डेड क्लास आस गोटे हूँ दिन 11:30 हूँ 11:30 AM हूँ आउ गोटे 2:30 हूँ 2:30 PM आउ गोटे संध्या 7:30 PM हूँ जोटा कि रेकर्डेड आसपे ए दुटा तुम रेकर्डेड किंबा एटा तो लाइव देख पूरा लाइव ही तुम मान हुए आउ 7:00 संध्या 7:30 ए दुटा टाइम तुम रेकर्डेड हुए एवं कह ए CD-ROM डिस्क जो भी आम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी यहाँ कौन कैर कौटा का भितर ठीक हम cannot be erased and rewritten हो पारिबो एटा ना नहीं भूल कारण आम कर सीडी रोम रे आम इरेज कर रिरिटेन कर भूल होठी हाज मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन CDR नहीं एटा भी भूल होल्ड्स लेस डाटा दैन फ्लॉपी डिस्क कैन बी रिटर्न ओनली वन्स नहीं देख आ भितर एटी तुम राइट आंसर कौटाक हम ना ऑप्शन देखो ऑप्शन एटी तुम एटा ही हम ये राइट आंसर बुझ आग कौन पाई कि नब ना आदि आम जो भी आम सीडी रोम रे आम कौन करज करण करें रिटर्न तेणु ऑप्शन ए ही एटी हम राइट आंसर ठीक अच्छे ऑप्शन सी करनी
फ्लॉपी डिस्क ठारू आमर सीडी काई यूज करे आगुर तो फ्लॉपी डिस्क यूज करते कि आम सीडी कौन पे यूज तेरे अधिक डाटा आम रहा यहाँ तो भूल संपूर्ण भाव सीटा हो सीटा भी भूल हो थे तो आम लेखिपरानी बहुत थर लेखिपर तेणु ऑप्शन ए ही हम ये केवल राइट आंसर ऑप्शन ए हम ये राइट आंसर ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह ए हम ये ना बफर हो पाने बफर के होने टे इंटरनेट तुम चेक कर देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह कौन ए मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड जो भी गोटे मेथड कौन ना प्रोवाइड कर जो भी वर्चुअल मेमोरी आम जो कहे जो मेमोरीटा कौन ना आम सिस्टम वर्चुअल मेमोरी गोटे क्रिएट हो जाए आमर धरने रामटा थे रामटा थी 6 GB गोटे वर्चुअल राम आम वर्चुअल राम के 4 GB रेदे ये जो वर्चुअल राम है ये वर्चुअल राम है किंबा आमर कौन ना वर्चुअल मेमोरी है ये सब आम कौन गोटे गोटे ना वर्चुअली आमर क्रिएट हो कौटी ना रोम रे आमर क्रिएट हो वर्चुअली क्रिएट हो स्पेसटा क्रिएट हो तो ये जिनसटा क्रिएट है यहाँ कौन गोटे ऑप्शन ए कौ फ्रैगमेंटेशन ना यहाँ फ्रैगमेंटेशन पे केबे भी करिबनी एटा कौन ना सेगमेंटेशन ऑप्शन बी सेगमेंटेशन हम ये राइट आंसर ऑप्शन कौन ना बी हम ये राइट आंसर ऑप्शन बी हम ये राइट आंसर पे ऑप्शन बी कर ऑप्शन केबे भी ये ए करिबनी ऑप्शन बी कर ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह आम वेब सिक्युरिटी रहा कौन जो भी वेबसाइट सिक्युरिटी रहा जो भी आम वेबसाइट सिक्युरिटी रहा कौ गोटाक गोटे गुड वेब सिक्युरिटी स्ट्राटेजी नुह जे क्या माध्यम रे जो भी आम गोटे सिक्युरिटी मेन्टेन करुचे वेब सिक्युरिटी वेबसाइट रे सिक्युरिटी मेन्टेन करुचे से गोटे भल सिक्युरिटी स्ट्राटेजी गोटे नुह को देखा कहीं भी आड़ू साड़ू पे मेसेज करनी तुम मेसेज जो माने भी कर आड़ू साड़ू स्टडी रिलेटेड को छाड़ी पाठ को छाड़ी जो माने भी मेसेज आड़ू साड़ू कर मुझे ब्लॉक कर देबी तुमने कहीं भी मेसेज एमती न कर क्लास करुच क्लास ही केवल कर आड़ू साड़ू मेसेज एमती कहीं भी न कर क्लास यहाँ तुमको मुझे वार्निंग गोटे दौर क्लास कहीं भी जमी आड़ू साड़ू मेसेज न कर जहाँ भी तुमको अच्छी स्टडी रिलेटेड तुमने पचारि पार चैट सेक्शन में किसी भी आड़ू साड़ू लेखनी चैट बॉक्स रे जेमती मु किछि भी आडू साडू न देखे नेक्स्ट टाइम तेबे भी तमन को कहि देली पिला माने जो माने भी पढ़िबा को चाहौ जो पढ़ो जो माने पढ़िबार इच्छा नै तमने चैनल लु आउ कोड जें कि देखि परबो पढ़िबार जो माने भी अछि एग्जाम क्रैक करिबार अछि तमने ही देखो केहि भी आडू साडू जे भी मेसेज करबो ताकू सब दिन पै चैनल लु मु ब्लॉक करबि ठीक अछि गोटे सेकंड पिला माने थाउ ठीक है ओके कहतु फ्रैगमेंटेशन कौन देख अरे फ्रैगमेंटेशन कौन फ्रैगमेंटेशन सुन कहीदे तुमको ये फ्रैगमेंटेशन जो कथा पचार चो जो भी आम डाटा गुड़ाक जो आसूरी धर इंटरनेट रु जो भी डाटा आसूरी से डाटा गुड़िक आम डाटा इंटरनेट रु आसू ना से जो डाटा गुड़िक आम पैकेज हिसाब से आसे यहाँ भी जान थो जो भी इंटरनेट रु डाटा आसे सब आम पैकेज थ्रु रे आसू से जो पैकेज बड़ बड़ पैकेज आसला से पैकेज गुड़िक डिवाइड होगी छोट छोट पैकेज रे कन्वर्ट होने कौन कौन ना फ्रैगमेंटेशन ठीक अच्छे तो बड़ डाटा गुड़ी बड़ बड़ पैकेज डाटा गुड़ी छोट छोट पोर्सन ने डिवाइड करदे आम कह कौन ना फ्रैगमेंटेशन ठीक अच्छे बुझीपार किए पचार भरत कुमार बेहरा ठीक बुझीपार ना ना बुझीपार नहीं एबी
ओके ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह हुई इज नॉट ए गुड वेब सिक्योरिटी स्ट्राटेजी, तो कौ गोटा आ भितर गोटे भल वेब सिक्योरिटी स्ट्राटेजी नुह आ भितर कह देखा देख एठी ऑप्शन ए ही राइट आंसर रिमूव अननेसेसरी कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स जो भी अननेसेसरी जो भी कंपाइलर इंटरप्रेटर ताकु कौन जे रिमूव करदे सेटा किछि भी हमर गोटे वेब सिक्योरिटी संगे आर किछि भी नहीं तो आ संगे रे वेब सिक्योरिटी रो किछि भी कनेक्शन नहीं तेनु रिमूव अननेसेसरी कंपाइलर आउ इंटरप्रेटर टा को रिमूव कले किछि भी हमर वेब सिक्योरिटी रो चेंजेस होबनी तेनु ऑप्शन ए ही एठी जइबो राइट आंसर ठीक अछि। ओके ओके ठीक अच्छे जीए भी डिस्टर्ब जहाक भी करुच मुझे जी देख ली तुम चैट सेक्शन जहाक भी देखी जहार भी मेसेज आड़ुसाड़ू आसोक मुझे आग चैनल ब्लॉक करी आग ब्लॉक करी तुमको जो मैंने भी पढ़ाक आस चैनल पढ़ जो मैंने भी आड़ुसाड़ू कि तुमने लिखा चाहूँ चैट बॉक्स रे तुमको सांगे सांगे ही मुझे ब्लॉक करी ठीक अच्छे। यही थरक लास्ट वार्निंग तुमको देदेली नेक्स्ट टाइम आउ वार्निंग देवेनी मुझे कहवा चाहूनी जे क्लास जेहतु करुच काले एग्जाम पे कह इंपोर्टेंट थी एग्जाम करने को चाहो क्लास करने को चाहो एग्जाम पे कलिनि कि लास्ट टाइम पे यहाँ कहीदे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह व्हाट काइंड ऑफ अटेम्प्ट्स इज मेड बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इनफॉरमेशन फ्रॉम ए पर्सन बाय क्लासीफाइंग देयर आइडेंटिटी निजर जो भी आइडेंटिटी रहिला सेटा को लुचेगी निजर आइडेंटिटीटा को लुचेगी जणे कोन ना तमरो जो कॉन्फिडेंशियल इनफॉरमेशन रहिला से सब को हतेबा को चाहिबो बा चोरी करिया पे चाहिबो सेटा को हमें को प्रकार स्कैम हमें को देखिबा एटा कही दे पिला माने देखिबा हमें ताकु फिशिंग को त फिशिंग कोन ना निजर आइडेंटिटीटा को लुचेगी कौन ना निजर आइडेंटिटीटा को देखेबनी से बैकएंड रे रहिकि तमरो कौन ना जो भी तमरो कॉन्फिडेंशियल इनफॉरमेशन रहिला ताकु सब चोरेबा चाहिबा बा ताकु सब लीक करिया पई चाहिले एटा को हमें फिशिंग स्कैम्स कहु ऑप्शन बी एठी हेजबो राइट आंसर ठीक अछि। ओके त पिला माने एतिकि दिला तमन ऊपर जो भी पीपीटी हला पीपीटी रो ऊपर जोटा आसे सेटा कौन ना टेम्पलेट तो ये जो टेम्पलेट कौन सब स्टोर करे कहले देखिबा टेम्पलेट कौन सब स्टोर करे ग्राफिक्स टेक्स्ट स्टाइल्स मैक्रोस कौन करे कहले देखिबा ओके एबे को कौन हम पे राइट आंसर कौन हम कह जी गोटे टेम्पलेट कौन स्टोर करे ऑल स्टोर करे ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज करे टेम्पलेट रे ग्राफिक्स टेक्स्ट स्टाइल्स मैक्रोस कौन टा करे ठीक को देखा देख जो भी हमारा गोटे टेम्पलेट कौन ना टेम्पलेट सबकि हम ये राइट आंसर ऑप्शन डी हम ऑल ऑफ द एबव हम ये राइट आंसर जो भी हमारा ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज रहा से सब भी आसे ग्राफिक्स टेक्स्ट स्टाइल्स आसे तेणु ऑप्शन ये कौन ना ऑप्शन डी हम ये राइट आंसर ठीक अच्छे। नहीं ऑप्शन बी हम सी हम ए सबगुड़ी हम ये राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम कौटे अच्छे ऑप्शन ए रे अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम बा ओएस आम कहे कमनली यूज एब्रिविएशन ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम बा ओएस बफरिंग हूँ क्या पे बफरिंग तो टोटाल यहाँ तो गला तुम मन नन अफ द एभव फिफ्थ आउ भी किसी क्वेश्चन तुम ना भल लगी निश्चिंत भाव क्लास टी को लाइक कर पे जो मैंने भी एपर्तंत क्लास को लाइक करना लाइक गोटे लगा कर क्लास सरला तो मैंने कमेंट करके कहीं भी भूल कमेंट करके क्लास टी केमती लगेगा सेसन टी समस्त सेयार कर आउ चैनल को जदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करके अल् नोटिफिकेसन को अन् करदेव जहाँफल कि सबकि इनफर्मेसन पाइज ठीक अच्छे। आउ जदि तुमने टेलीग्राम जॉन हो चाहते टेलीग्राम जॉन हो तुमने
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाए तुमने क्लास रिलेटेड सब किसी इनफर्मेसन पाइपर से आज जो मैंने भी लाइक करना पे लाइक कर दि एपर्त मात्र 150 लाइक तुम 145 लाइक है 145 लाइक है पे लाइक करदेव समस्त जो मैंने भी करना आउ गोटे कथा कहीदे जो मैंने भी आड़ साड़ू मेसेज करुँचु तेणु से सब को इग्नोर करके तुम आईडेटिटी मैंने जो भी तुम कि भी ये देखार ना कहीं भी तुम कि भी पर्सनाल डाटा ये शो करूनी ठीक अच्छे तेणु किसी भी ओरी हबार ना जी जहाँ लिखुची जस्ट इग्नोर कर जदि जीवन एमती छोट छोट जिनस को तुम मैंने कौन ना जी बहुत बड़ कि देख तेणु बड़ जिनस तुमको आसे आहरी बड़ लगे है तेणु छोट छोट जिनस को सदापाई कि देखिकी से नजर हटे निजुक मैंने कौन ना से जगार हटे दि से जगार तुम भावनी किए कौन कहटा भाविले जीवन में किसी भी करें लोक जहाँ भी हेल्ला तुमको जीवन जो पोजिशन रुह जो भी जाओ तुमको कहे तेणु कम हिं कह तुमको डिस्टर्ब करवा तेणु तुम्हें जहाँ भी अच्छे से जिनस गुड़ाक इग्नोर करी क्लास को कर जो भी कम तुम मैंने करुच से कम को कर ठीक अच्छे गोटे सेकेंड ओके यहीटा ही तुमको मन रखा पड़ा जो मैंने भी कहते तुमको जहाँ भी कहले तुम ये किसी भी देखा जाऊनी केवल ना तुम मान देखा धरने मो ना सुब्रत पट्टनायक मेल्ले सुब्रत पट्टनायक ही शो कर आठ कौन देखा जाए मुझे मैंने कौन मत किए कौन कह डायरेक्टली किसी भी ये ना से देखे बहुत जन पा बहुत कथा कहे से सबको इग्नोर कर जार पढ़वार अच्छे से पाठ से फोकस कर जार किसी करार ना एंटरटेन करुच से भी एंटरटेन कर किसी असुविधा ना ओके तो ठीक अच्छे पे क्लास टी ए शेष करुच्ची रही थैंक यू सो मच।